हेलो दोस्तों, तो आज का हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमने सोचा है कि ना हम इतने सारे शोज करते हैं, शूट्स करते हैं, तो हम ब्लॉग बनाने स्टार्ट करें। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर इंसान एफर्ट्स लगाता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। जो भी मेहनत करते हैं उसका फल जरूर मिलना चाहिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा ही वक्त है तो वक्त निकाले और हमारे जो भी शूज होते हैं उनके बारे में अपडेट लेते रहिए और उन्हें देखिए जरूर। करेक्ट करेक्ट। और मैं तो कहूँगा आप एक बार जरूर आके देखिए, एक शो देखिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार आप जरूर आना चाहोगे, पैसे खर्च करके आना चाहोगे। और जितना मजा आपको मूवीज में आता है ना, हम 110% कह सकते हैं कि आप एक बार बैठो, हमारे शोज देखो, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ना ये लाइव शो देखा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर लाइफ। और मूवीज में तो रीटेक्स हो जाता है, यहाँ रीटेक्स कब लाइव परफॉर्मेंस। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। प्लीज कम एंड वॉच आवर शो। और एक ही और आपको अच्छे से ये पता लग जाएगा कि एक्टर जो लाइफ होती है वो क्या होती है, हम कितनी मेहनत करते हैं। जो एक्टर्स होते हैं जो थिएटर्स में प्ले करते हैं या जो मूवीज के अंदर प्लेस करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, मतलब उनकी दिनचर्या के बारे में आपको पता लगेगा। एक्टर्स लाइफ एक्चुअली में क्या है वो आपको पता लगेगा। और जरूर देखें, जरूर आए, आपको लाइफ में कभी भी मौका मिलता है आए जरूर। सो ओके गाइस, बस इतना ही। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, तो अनुज के साथ अभी जुड़े रहे, अनुज आपको अपडेट करता रहेगा। हो सकता है जब आज तो हमें आप पहचान ना पाओ, हमारा गेटअप बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि वी आर एक्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। अनुज भाई, वेलकम वाला नीचे बैठे बैठे ढोल पीटेगा, तब तो हम भी शुरू कर दे। अरे बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अरे किस बात को लेकर इतना बढ़िया झगड़ते रहते, इतने सब्जेक्ट मुद्दे का साला मर जाओ, लेकिन थोड़ा करो आपस में बनते रहे तो डिवोर्स भी ले लेते। अच्छा हेलो, किससे बात करनी है आप? कौन? लीलावती घोर पड़े। लीलावती घोर पड़े, क्यों? नाम नहीं पसंद आया? फिर तो मैं आश्चर्य में शर्मा चाह रहा है। अरे भाई, कहाँ कर रहे हो भैया? ए भैया, कहाँ कर रहे हो? प्रेशर बना रहे हैं भैया। हाँ, यही करोगे का? और भाई साहब कहाँ आए हो? हमको भी नहीं पता कि हम कहाँ थे। खाली नॉर्मल वीडियो लो ना, ब्लॉग बना रहा हूँ। छोटे मुन्ने के लिए मन्नत मांगने जाना भी तो जरूरी है। माता का प्रसाद लिए बिना वापस कैसे आ जाए?
अनियन ही है, अनियन ही है। अरे नहीं पसंद आ रहा तो छोड़ दो, मैं खा लूंगी। अरे मेरे पद के नीचे बिंदु भाई कर रहा है, अजीब दोस्त आ रही है सर। नहीं आपके लिए घर है। खाना 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 जो भी लाना दो लाना। बड़े मजा आ रहा है। कितना खाओगे दोनों? इधर देखो, इधर देखो भैया, ए भैया कितना खाओगे? ये गैस पूछे कैसा लग रहा? कैसा लगा? चार फ्रूटी पी के सही आ रहा है या शेप सही है? हाँ शेप अच्छा है, ये अच्छा है, ये एकदम फ्लैट पे है, अच्छा लग रहा है। अनुराग कर लिया थोड़ा ना, देखिए अब कम हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बनो चलते, क्या हुआ है तुझे? अरे बैक वगैरह सही? और बैक सही आ रहा है तेरा, कटिंग दिख रहा है सही। पेट तो देख लो मेरा। ओह माय गॉड अनु एब्स कोई करके दिखाओ। तो आज हमारा शो है सैया बेईमान। Yes. जो कि हम 10 बार कर चुके हैं ऑलरेडी, सबको पता है, किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि कितना सक्सेसफुल शो है। तो मुझे ये बताओ कि आज हम क्या करेंगे? सेम सैया बेईमान। हाँ वो तो करेंगे। आज भी हम सैया बेईमान करेंगे। बट हमें आज का जो प्रेग्नेंट आज का हाउसफुल है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग आए और इस शो को एंजॉय करें। बिल्कुल क्लीनेस्ट कॉमेडी है और फैमिली के साथ देख सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आ जाइए। ये नहीं होता सॉरी कोई नहीं, बट हाँ ये जो एक्टर्स थी काफी टैलेंटेड है और मैं चाहूंगा कि आप जरूर आके इनकी एक्टिंग देखें। आपने इन्हें बहुत सारे YouTube वीडियोस पे भी परफॉर्म करते हुए देखा होगा, नजर पड़ी। आज आपको मौका मिल रहा है इनसे लाइव इंटरेक्ट करने का, सो आई वुड से बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आपको मैं इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स। चलो बाय, टेक केयर, आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। और सर टीम ब्रेक हो गया एक बार, देखिए बीच में चलता रहता है, थोड़ा इन्जॉय भी करते रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, रिहर्सल भी करते रहते हैं। शाम को 6:30 बजे शो है अपना, और मे भी हो सकता है ये ब्लॉग आप बाद में देखो, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश ये किया करूँगा
आपकी स्टेटस लगा दिया करूँगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए, आपको अपडेट हो जाए कि हमारा नेक्स्ट शो कब है। तो बस ये चलता रहता है, ये खाना वाना जो है, हाँ ऑडियंस होता रहता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका पास जो है ना वो गार्ड होगा, अंदर घुस जाना, गार्ड के पास रखा है, फिर कपिला करवा। सो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और 5:45 हो गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 6:30 पे हम कर देंगे अपना स्टार्ट। तो अब तो टाइम है नहीं आप लोगों के पास आने के लिए, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दें कि हमारा शो कहाँ पे है, कब होगा। तो चलिए बाय बाय, और अब तो खत्म ही है, बाकी जो भी थोड़ा मोड़ा होगा एंजॉय करते हैं साथ में बैठ के। पहला हुआ है अंदर, ये क्या कर रहे हो? पोटी करेंगे सही है, चलो अभी कपड़े लेंगे, करना क्या है। ये क्या करूँ, जिम्मेदारी तुम्हारी है, पानी लाऊं? पानी कहाँ से लाऊं? देखो इधर बाहर जो है लगा है नल का, जो है दबाओगे, है सुनो, दबाओगे पानी निकलेगा। तुमको बोतल खोल कर भर लेना और तुमको खोलना है और भरना है, पूरा भरना है, आधा नहीं भरना है। और सुनो थोड़ा जल्दी करो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी दी है कि जो लोग आए अब बिठाओ इनको, ठीक है? चलो जाओ अब। और कुछ बाबू जी? नहीं और कुछ नहीं, एकदम पानी जल्दी भरो भाई, देखो इच्छा है, सही में है उधर पानी, देखो तुम उधर जाके मशीन लगा है, है मशीन दबाओ पानी निकलेगा। जाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो बच्चों की जैसी हमेशा मत फाड़ियो, देखो भाई इच्छा है, पानी बोतल दे उसको, पीये तुम पानी बोतल को, हमारे सामने पानी तुम दे दिए भाई, हम मकान हम तो क्या करें, जिम्मेदारी है खत्म हो रहा है, डायरी मांगे तुम ये दे दीजिए, ऐसे एक बात बताए जरा भाई, आप अब चोरी कर तो रहे हैं। जाओ आगे से पीछे से। इतनी सी बात हम कट्टा निकाल लेते हैं, बात तो इतनी हो गई, हम काहे निकाल लेते हैं अभी के लिए, कट्टा तो छोड़िए आप, ये पकड़िए कंधा, इसे डालेंगे अंदर से, हैं मुंह से निकलेगा, मजा नहीं है, हैं मजा नहीं है, हम अभी डाले नहीं तो मजा दे लिया, जस्ट इमेजिन कैसा मजा, कैसा मजा एक बार बताइए। देखो भाई इमेजिनेशन में ऐसा मजा ले ली, जब अनुज सच्चे वैसे यार आगे तो हम थे ना सारे, तुम्हें कहाँ गया वो, तुम अभी सुन लीजिए तो हगने के लिए सर हगने में कंपटीशन लगाइए,
ज्यादा हम गिर बात सुनो मतलब धो के आए नहीं हमारी बात सुनो चीरा कैलेंडर कैलेंडर ब्लॉक हुआ जब यज्ञ बाहर आया तब ब्लॉक हुआ है अब एक घंटे में जल्द हम शो स्टार्ट करने वाले हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप टाइम पे आए क्योंकि यू विल मिस मैजिक परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ अस दिस इज अनुराग एंड ही इज अनुज एंड हमारे ऑलमोस्ट 10 सक्सेसफुल शोज हो चुके हैं संयम भईमान की और ये हमारा 11th शो है और चूंकि हम CSOI में कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जगह है एंड आई एम श्योर कि आप जो थिएटर मूवी देखते हैं उससे ज़्यादा मजा आने वाला है आपको करेक्ट एग्जैक्टली आओ एंजॉय करो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अगर आप आओगे तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली जो हमारे शोज होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं आज आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो कोई बात नहीं इन फ्यूचर अगर आपको कोई फ्री शो मिलता है देखिए हमारे चैनल शो की टिकट होती है 300, 400, 500 बट आज कंप्लीटली और हाँ जिनकी टिकट हो गई है प्लीज वो जरूर आए क्योंकि हाउसफुल हो चुका है बहुतों ने अभी बुकिंग करने की कोशिश की है पर वो उनकी बुकिंग नहीं हो पाई तो अगर इन केस आप नहीं आ रहे तो दूसरों को टिकट जरूर दे दें करेक्ट थैंक यू सो मच बाय किसी को नहीं छोड़ना किसी को नहीं छोड़ना क्या पता दो हजार विवेक के हो गए 50 अच्छा वो हाथ नहीं आया यार हमारे सभी मित्र तैयार है नाटक के हिसाब से जी जी 6:30 शुरू कर देंगे एक या दो मिनट का है ना ओके ओके आई एम यहाँ पे जन्म ले जाऊँ बाकी खाना पीना सब आया थैंक यू फाइनली हम रेडी हो रहे हैं और हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं घर थोड़ा बहुत तो चेंज मिलेगा ना देखने को ये थोड़ी हमेशा स्मार्ट ही रहेंगे सही बात छपरी छपरी बनना पड़ेगा हमें देखिए भैया मैनेजर हैं लालू प्रसाद यादव इनको देखो
आदमी कुछ बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम तो देखिए मैनेजर साहब है, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो शो स्टार्ट होने वाला है। जय माता दी। आप कुछ बोलेंगे सर? हाँ, दूध वूध कुछ हमें फ्री में मिल जाता तो मिल जाएगा, हम बाथरूम से ला के देते हैं। बाथरूम से दूध? सर मेरा बाल्टी है ना, गमछा में मैं ये बाइक ले रहा हूँ, देखो सर ये ऐसे करके डालूंगा। ठीक है, ठीक है। सुनो आग लगा देनी आज, क्या करना है? आग लगा देनी आज, क्या कर रहे हो? आग लगा देनी आज। सॉरी सर, सर आप रेडी हैं? तो आज हम आप कुछ बोलना चाहोगे, शो स्टार्ट होने वाला है? बोलना चाहूँगा कि जितने लोग आ रहे हैं हमारा शो देखने, उन्हें उम्मीद है हमारा शो पसंद आएगा। डेफिनेटली पसंद आएगा, बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से हमें शो करना है, काफ़ी सक्सेसफुल शो है, सक्सेसफुल 10 सक्सेसफुल शो। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने जब कराए वो सही से अपना जो भी उनका किरदार है वो निभाएंगे, और उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, चलिए फिर मिलते हैं, और डेफिनेटली आपको भेज देंगे। बाय, थैंक यू। हाँ तो फाइनली अपना शो खत्म हो गया है और हम रेडी हो गए, तो बस यही था, और ऐसे ही हम शो करते रहेंगे, और आप लोग आते रहिए, देखते रहिए हमारे शो को, एंजॉय करते रहिए। और आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट शो है वो है 8 या 9 तारीख को, तो हम पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि कब है। और तीन को कैंसिल हो गए, तो मे बी 8 को हो सकता है या 10 के बाद, जब भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप चेक कर लेना, ठीक है? फॉलो कर लेना आप लोग, और कहीं से भी आप लोग देख रहे हो उसको फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एक बार आप देख लीजिए सबको। कैसा लगा आज का? बहुत बढ़िया, मजा आया, चकाचक काट दिया, चीर दिया। कैसा लगा? कैसा ऑडियंस? बहुत बढ़िया था यार, सब तालियां। कैसा लगा आपको? जाओ स्कूल में भूल गए थे तब। ऑडियंस में किसी ने बोला था कि हो सके तो स्लो फ्लो में निकल गए, छोड़िए, ये रही तुम्हारी खुशखबरी है, ये तुम्हारी खुशखबरी है, पता नहीं चलाना है यार। ओ मैं समझ गई, हां सुनिए साहब, देखिए साहब, देखिए साहब, सुनिए साहब, पता नहीं चला क्या, पता चला किसको, किसको पता नहीं था। यार मैं नहीं आया किसी भी वीडियो में, कोई बात नहीं, तुम आ जाना साहब। यार प्रिया ने तो मेरे का अच्छा, हां और अनुज कवर्स योर एक्सपीरियंस, इस बात तो कुछ नहीं भूले, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, पीछे से सेटअप लगाना भूल रहे थे।